आज सरपंच पंच जनपद जनप्रतिनिधि की नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी, जिसमें सरपंच पंच और जनपद प्रतिनिधि द्वारा नामांकन जमा करके अपने आप को जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिलाने की बात कही है, जिसमें सरपंच पद हेतु वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, शंकर राम सिंह, रगली बाई धूप सिंह, राजू हर सिंह डेहरिया, लखन मंडलोई, धूप सिंह पतलिया द्वारा नामांकन फार्म जमा किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि वह झिरनिया के चौमुखी विकास के लिए सदा तत्पर रहेंगे। पेयजल व्यवस्था, सड़क आदि के लिए व जनता की सेवा करने के लिए सदा अपना योगदान देते रहेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने की भी बात कही। सिसोदिया का कहना है कि 17 सितंबर 2008 को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाया था ग्राम झिरनिया को। झिरनिया से सुखदीप भाटिया की रिपोर्ट। मैंने ग्राम पंचायत झिरनिया के सरपंच पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के साथ में हमारे साथ में युवाओं का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, माता बहनों का आशीर्वाद मिला है और सभी युवा साथी मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं और सबके आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के सहयोग से अपन विजयश्री होगी अपनी और झिरनिया के चहुमुखी विकास के लिए हम बिल्कुल करबद्ध रहेंगे और यहाँ पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, साथ ही बड़े सभी का मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम इस ग्राम पंचायत को आगे, पहले जब हम सरपंच थे तो हमने इसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाया था 17 सितंबर 2008 को हरियाणा के हिसार जिला में। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया थी, राष्ट्रपति महोदया ने हमें इस झिरनिया ग्राम पंचायत को हरियाणा के हिसार जिले में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था। चूँकि दुर्भाग्य से ये रहा कि 2010 तक मैं सरपंच रहा और मैंने झिरनिया का नाम दिल्ली और हरियाणा हिसार तक मैंने पहुँचाया और अब मैं यहाँ की पब्लिक और आम जनता से निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार पुनः और आशीर्वाद दे ताकि इसका नाम झिरनिया का पुनः दिल्ली में मैं रोशन करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।